फर्स्ट प्रॉब्लम फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, और ये गिवन दिया हुआ है आपको इक्वेशन, राइट। तो अब हम फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए जो आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन पेपर में उसे आपको पहले आंसर में वो लिख देना है, फिर से रिपीट लिख देना है। जो भी आपको एफ ऑफ एक्स में दिया हुआ होगा इक्वेशन वो फिर से आपको लिख देना है आंसर में। और यहाँ पे आपको लिखना है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का आपको यहाँ पे फॉर्मूला लेना है माय डियर स्टूडेंट। तो क्या है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला? तो साइन ट्रांसफॉर्म हम डिनोट करते देखिए एफ एस ऑफ लैम्डा में इज इक्वल्स टू, इसका जो लिमिट है जीरो टू इंफिनिटी रहता है इसके फॉर्मूले में। यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ यू इंटू साइन लैम्डा यू डी यू। तो ये फॉर्मूला है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। अब हम देखिए नेक्स्ट स्टेप में, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अब हमें एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स देखिए एफ ऑफ और ब्रैकेट में क्या है एक्स है। तो आपको भी क्या लेना है यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में हमने एफ ऑफ क्या लिया है यू लिया है। तो ध्यान से देखिए, तो अब हमें क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, जहां पे भी एक्स है ना वहां पे आपको क्या लेना होगा यू लेना होगा, क्योंकि फॉर्मूला जो देखा आपने फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ यू है, यहाँ पे एफ ऑफ यू है फॉर्मूला में, बट दिया हुआ है गिवन में आपको एफ ऑफ एक्स। तो आपको क्या करना है जब भी आप नेक्स्ट स्टेप लिखोगे तब आपको एक्स की जगह यू लेना है, एक्स की जगह क्या लेना है यू। क्यों यू लेना है? क्योंकि यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मगर फॉर्मूला में यहाँ पे एफ ऑफ यू है, तो इसका मतलब जो भी गिवन है, जो भी आपको गिवन है वहां पे एक्स की जगह आपको क्या लेना होगा यू लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स है, तो एक्स की जगह आपको क्या लेना होगा डी स्टूडेंट्स यू, एक्स की जगह आपको क्या लेना होगा यू। ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स है ना, तो एक्स की जगह आपको लेना होगा यू। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखिए एफ ऑफ यू की वैल्यू, पहली वैल्यू दी हुई है आपको एक्स, बट एक्स की जगह आपको लेना होगा यू इंटू यहाँ पे आपका साइन लैम्डा यू और ए डी यू, और इसका लिमिट है एक्स का जीरो टू वन। क्या लिमिट है देखिए जीरो टू वन, तो यहाँ पे आपको लेना है जीरो टू वन, बस इतना। मतलब आपको एफ ऑफ यू की जगह देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स से, ध्यान से देखिए एफ ऑफ एक्स की पहली वैल्यू क्या है एक्स है, एफ ऑफ एक्स की पहली वैल्यू क्या है एक्स है, मगर यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ यू, तो आपको एक्स की जगह क्या लेना होगा यू लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक्स है तो आपको क्या लेना होगा एक्स की जगह यू लेना होगा, और ये इंटू साइन लैमडा यू डी यू एज इट इज, और इसका लिमिट क्या है जीरो टू वन है, तो यहाँ पे जीरो टू वन, देन प्लस करना है। अब आपको प्लस फिर से यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है टू माइनस एक्स, ओके एफ ऑफ एक्स की नेक्स्ट वैल्यू क्या है टू माइनस एक्स है, मगर मैंने पहले ही बोला है कि आपको एक्स की जगह क्या लेना है एक्स की जगह यू लेना है, तो आपको देखिए प्लस करके टू माइनस एक्स, तो एफ ऑफ यू की जगह आपको लेना है टू माइनस एक्स, मगर मैंने पहले ही बोला है एक्स की जगह आपको क्या लेना होगा यू, तो यहाँ पे लेना होगा आपको टू माइनस यू, यहाँ पे एक्स की जगह आपको क्या लेना होगा टू माइनस यू, और नेक्स्ट यहाँ पे साइन लैम्डा यू डी यू, इसके लिमिट क्या है वन टू टू, देखिए इसके लिमिट है वन टू टू, तो यहाँ पे लेना होगा आपको वन टू टू। तो स्टूडेंट एफ ऑफ यू की पहली वैल्यू दी हुई थी आपको एक्स, एफ ऑफ यू की पहली वैल्यू आपको दी हुई थी एक्स, मगर हमने पहले बोला कि एक्स की जगह आपको क्या लेना होगा यू, तो एक्स की जगह इस एक्स की जगह मैंने लिया यू, और आगे साइन लैम्डा यू डी यू प्लस, इसका लिमिट है जीरो टू वन, तो जीरो टू वन मैंने पुट कर दिया, देन प्लस आगे एफ ऑफ यू की वैल्यू, देखिए एफ ऑफ यू की वैल्यू आगे दी हुई उन्होंने टू माइनस एक्स, मगर हमने क्या बोला है आपको एक्स की जगह क्या लेना होगा आपको यू, तो इस एफ ऑफ यू की वैल्यू हो गई आपकी टू माइनस यू, क्योंकि एक्स की जगह आपको पुट करना होगा यू, और आगे साइन लैमडा यू डी यू, इसका लिमिट है टू माइनस एक्स का लिमिट है वन टू टू, तो यहाँ पे लिख देना है वन टू टू, तो ऐसे आपका हो गया। और आगे तो जीरो है, तो जीरो लिखने की आगे जरूरत नहीं है, जीरो अगर होगा तो उसे आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, उसे आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, आपको दो इंटीग्रेशन है, ये पहला और ये दूसरा, तो मैं इसे पहले देखिए इसे मैं क्या करता हूँ, एपेस ऑफ लैमडा है राइट, एपेस ऑफ लैमडा,
तो इसे मैं एज्यूम करता हूं एफ एस वन ऑफ लैम्डा, और इसे मैं एज्यूम करता हूं माय डियर स्टूडेंट एफ एस टू ऑफ लैम्डा। पहले इसे सॉल्व कर देता हूं, इसे मैंने एज्यूम किया एफ एस वन ऑफ लैम्डा और इसे मैंने नाम दिया है एफ एस टू ऑफ लैम्डा। तो सबसे पहले एफ एस वन ऑफ लैम्डा, तो एफ एस वन ऑफ लैम्डा मैंने जीरो टू वन लिया है, जीरो टू वन, तो यू इन टू साइन लैम्डा यू डी यू, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है, राइट, इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन में दो टर्म्स है, पहली टर्म है यू की इंटू करके, दूसरी टर्म है साइन लैम्डा यू की। यू एक पहली टर्म है और साइन लैम्डा यू ये दूसरी पूरी की पूरी टर्म है, यू पहली टर्म है और साइन लैम्डा यू दूसरी टर्म है, तो दो टर्म्स के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, दो टर्म्स के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है। अगर दो टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट होगा तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का। तो देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे पहली टर्म क्या है, यू है, उसे एज इट इज लिखिए ब्रैकेट में पहली टर्म को, और दूसरी जो टर्म है, दूसरी टर्म साइन लैम्डा यू है, इसका इंटीग्रेशन लिखिए। तो साइन लैम्डा यू का इंटीग्रेशन है माय डियर स्टूडेंट्स माइनस कॉस लैम्डा यू, माइनस कॉस लैम्डा यू अपॉन अपॉन, यहाँ पे डी की जगह क्या है माय डियर स्टूडेंट, डी के पास क्या है यू है, डी के पास क्या है यहाँ पे यू है, तो आपको क्या करना है साइन लैम्डा यू, यू के पास कौन सी टर्म है, यू के पास लैम्डा की टर्म है, तो यू को छोड़ के आपको लैम्डा लिखना होगा अपॉन पे और ब्रैकेट कम पे। फिर से बताता हूं साइन लैम्डा यू का आपको इंटीग्रेशन लिखना होगा, पहली टर्म आपको एज इट इज लिखनी है, दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन, तो साइन लैम्डा यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन लैम्डा यू का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस लैम्डा यू, राइट। बट डी के पास कौन सी टर्म है, यू की, तो आपको जो साइन लैम्डा यू में जो यू की टर्म है उसे वैसे ही रहने देना है, उसके पास जो टर्म है लैम्डा की, उसके पास यू के पास जो भी टर्म है लैम्डा की उसे आपको नीचे लिखना है, हो गया। अब आपको देना होगा माइनस, अब आपको क्या देना होगा माइनस, और यहाँ पे जो पहली टर्म है ना, यहाँ पे देखिए यू, तो यू का डेरिवेटिव, यू का डेरिवेटिव होगा वन, अब हमें इस पहली टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है, यू का डेरिवेटिव वन, और फिर से इसका हमें इंटीग्रेशन जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने वो, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, कॉस लैम्डा यू का, कॉस लैम्डा यू का इंटीग्रेशन है साइन लैम्डा यू, साइन लैम्डा यू अपॉन पे दूंगा मैं लैम्डा, कॉस लैम्डा यू का, कॉस लैम्डा यू का इंटीग्रेशन है साइन लैम्डा यू, यू को छोड़ के, यू के पास कौन सी टर्म है लैम्डा की, तो उसे मुझे देना होगा नीचे, और ये पहले का लैम्डा, ये लैम्डा और पहले का लैम्डा, लैम्डा इंटू लैम्डा हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब मैं आगे नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की टर्म आ गई है, वन है कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे कांस्टेंट की टर्म आ गई तो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और लिमिट जीरो टू वन यहाँ पे दे देना है, राइट माय डियर स्टूडेंट। क्या क्या मैंने फिर से बताता हूं, यू इंटू साइन लैम्डा, दोनों टर्म के बीच में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते, देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, तो जो पहली टर्म है यू वो एज इट इज लिखिए साइन लैम्डा यू का, दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन, तो दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन है साइन लैम्डा यू का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लैम्डा यू, और अपॉन पे इस यू को छोड़ के, हमेशा याद रखे डी के पास कौन है यू है ना, तो इस यू को छोड़ के यू के पास कौन सी टर्म है लैम्डा, तो उसे दीजिए अपॉन पे, ब्रैकेट कंप्लीट। अब आपको प्रोडक्ट रूल में माइनस देना होता है, माइनस देने के बाद यहाँ पे जो पहली टर्म है इसका डेरिवेटिव लेना है, तो यू का डेरिवेटिव होता है वन, इस यू का डेरिवेटिव होता है वन, तो मैंने यहाँ पे वन लिख दिया, और ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसका आपको इंटीग्रेशन लिखना होता है आगे यहाँ पे, तो देखिए ये माइनस है तो माइनस लिख दिया मैंने, कॉस लैम्डा यू का इंटीग्रेशन क्या है साइन लैम्डा यू, कॉस का इंटीग्रेशन क्या है कॉस लैम्डा यू का इंटीग्रेशन साइन लैम्डा यू, और अपॉन पे यू छोड़ के ये लैम्डा आपको नीचे लिखना है, तो आपने लैम्डा लिख दिया, मगर पहले का भी लैम्डा आपको कंसिडर करना होता है, तो ये लैम्डा आपने नीचे लिखा और पहले का लैम्डा, तो लैम्डा इंटू लैम्डा यहाँ पे आएगा आपका लैम्डा स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे क्यों स्टॉप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की टर्म है और कांस्टेंट की टर्म आ गई यहाँ पे अगर कांस्टेंट की टर्म आ गई तो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट दे देना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे, तो देखिए, तो यहाँ पे आपका क्या है,
यहाँ पे आपका यू है राइट, तो ये मैं माइनस ये देखिए यू है एज इट इज, और ये जो माइनस है ये माइनस कॉस लैम्डा यू, कॉस लैम्डा यू देखिए कॉस लैम्डा यू अपॉन पे लैम्डा, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वन लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस राइट, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये वन लिखने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे आएगा आपका साइन लैम्डा यू, साइन लैम्डा यू अपॉन पे लैम्डा स्क्वेयर, अपॉन पे लैम्डा स्क्वेयर, ये मैं ब्रैकेट कंप्लीट कर देता हूं, अपॉन पे लैम्डा स्क्वेयर और ये ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे जीरो टू वन, ये माइनस और ये मैं माइनस क्या कर देता हूं, इसे भी मैं इस माइनस को भी मैं आगे लिख देता हूं, देखिए आप ओके, ये जो माइनस है मैं आगे, यहाँ पे माइनस वगैरह कुछ नहीं है राइट, तो ये माइनस मैंने आगे लिख दिया, ये माइनस मैंने आगे लिख दिया, ये यू और ये कॉस लैम्डा यू, ये सिर्फ कॉस लैम्डा यू अपॉन लैम्डा, माइनस माइनस प्लस, वन लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे साइन लैम्डा यू अपॉन लैम्डा स्क्वायर एज इट इज। अब मैं लिमिट पुट करूंगा, अपर लिमिट पुट करूंगा वन, अपर लिमिट में पुट करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स राइट, अपर लिमिट पुट करूंगा किसकी जगह, U की जगह, क्योंकि D के पास कौन सी टर्म है, देखिए D के पास U है ना, तो ये जो लिमिट भी है ना वो U में ही पुट करने राइट, तो अपर लिमिट वन है, लोअर लिमिट जीरो है, तो अपर लिमिट वन में पुट करूंगा U की जगह, तो देखिए यहाँ पे एफ एस वन ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू, तो U की जगह में पुट करूंगा वन, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस, ये जो माइनस है ये माइनस, ये जो माइनस है मैंने यहाँ पे लिखा था वो माइनस लिखा मैंने, U की जगह में लिखूंगा वन, देन ब्रैकेट, देन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखता हूं मैं, डायरेक्ट लिखता हूं कॉस लैम्डा ऑफ वन अपॉन लैम्डा प्लस साइन लैम्डा, साइन लैम्डा U की जगह, देखिए इस U की जगह मैंने पुट किया वन, अब इस U की जगह में पुट करूंगा वन, तो साइन लैम्डा ऑफ वन अपॉन लैम्डा स्क्वेयर, अपॉन लैम्डा स्क्वेयर, और ये कंप्लीट। अब आप बोलोगे कि सर जीरो नहीं पुट करना है, कि नहीं पुट करना है, अगर जीरो लिमिट होगा ना तो जीरो लिमिट आपको पुट नहीं करना है, कब पुट नहीं करना है, जब भी आपके पास साइन और डायरेक्टली, इतना ही याद रखें कि जीरो का लिमिट आपको पुट नहीं करना है, बस इतना है, सिर्फ अपर लिमिट पुट करे, अगर जीरो होगा लिमिट में तो जीरो पुट मत करे, क्योंकि जीरो आपने पुट किया तो आंसर जीरो ही आएगा माय डियर स्टूडेंट्स राइट। अब आप देखिए यहाँ पे, अब आप मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है, वन लिखने की जरूरत नहीं, ये भी वन लिखने की जरूरत नहीं, ये भी वन लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस माइनस, यहाँ पे कॉस लैम्डा, यहाँ पे कॉस लैम्डा अपॉन लैम्डा, ये देखिए माइनस, यहाँ पे वन लिखने की जरूरत नहीं, ये भी वन नहीं, तो माइनस कॉस लैम्डा अपॉन लैम्डा, देन यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे भी वन लिखने की जरूरत नहीं, साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एफ एस वन ऑफ लैम्डा, ये सॉल्व कर दिया आपने। अब मैं एफ एस टू ऑफ लैम्डा लूंगा, तो देखिए एफ एस टू ऑफ लैम्डा, तो एफ एस टू ऑफ लैम्डा है आपका, देखिए ये एफ एस टू ऑफ लैम्डा आपने, इसे मैंने सॉल्व कर दिया, इसे मैंने सॉल्व कर दिया, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, तो देखिए यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू माइनस यू है, टू माइनस यू इन टू, यहाँ पे आएगा आपका साइन लैम्डा यू, और ये होगा आपका डी यू राइट, तो एफ एस टू ऑफ लैम्डा, तो फिर से ये ब्रैकेट वाली आपकी पहली टर्म है, साइन लैम्डा यू वाली आपकी दूसरी टर्म है, तो यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो देखिए प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे, तो मैंने बोला पहली टर्म आपको एज इट इज लिख देनी, देन दूसरी टर्म, दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन, तो साइन लैम्डा यू का इंटीग्रेशन अभी मैंने लिखा माइनस कॉस लैम्डा यू और अपॉन पे लैम्डा, अभी मैंने आपको बताया था साइन लैम्डा यू का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लैम्डा यू और अपॉन पे यू की टर्म छोड़ के उसके साथ कौन सी टर्म है लैम्डा की, तो लैम्डा लिखो, अब मैं माइनस लिखूंगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल में माइनस लिखना होता है, अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव, तो देखिए पहले टू का डेरिवेटिव, टू कॉन्स्टेंट है, टू का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, टू कॉन्स्टेंट है, टू का डेरिवेटिव जीरो, माइनस माइनस यू का डेरिवेटिव हो जाएगा वन, यू का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया वन, ब्रैकेट में माइनस, ये माइनस एज इट इज, अब इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, तो माइनस एज इट इज कॉस लैम्डा यू का इंटीग्रेशन साइन लैम्डा यू,
साइन लैम्डा यू, क्योंकि देखिए इस ब्रैकेट का अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। इस ब्रैकेट का हमने डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड कर दिया, टू का डेरिवेटिव जीरो माइनस माइनस यू का डेरिवेटिव वन। अब हम इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, तो माइनस आपका एज इट इज कॉस लैम्डा यू का इंटीग्रेशन इज साइन लैम्डा यू अपॉन पे यू छोड़ के आपको ये लैम्डा लिखना होगा, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। और आपको पहले का लैम्डा कंसिडर कर, कॉस लैम्डा यू का इंटीग्रेशन इज साइन लैम्डा यू, इस यू को छोड़ के ये टर्म बचते लैम्डा की, तो लैम्डा लिख दिया, ये लैम्डा और ये लैम्डा, लैम्डा इंटू लैम्डा हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा इंटू ये लैम्डा, तो लैम्डा इंटू लैम्डा हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर। और आपका जो लिमिट है वन टू टू वो आपको एज इट इज लिख देना होगा यहाँ पे वन टू टू। मैंने आगे सॉल्व नहीं क्यों नहीं किया, क्योंकि देखे यहाँ पे मैंने पहले बोला अगर यहाँ पे कॉन्स्टेंट की टर्म आ जाती, देखिए जीरो भी कॉन्स्टेंट है माइनस वन भी आपका कॉन्स्टेंट है, जब भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट की टर्म आ जाती है तो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे वन आ गया था तो हमने आगे सॉल्व नहीं किया था, यहाँ पे देखिए जीरो भी एक कॉन्स्टेंट माइनस वन भी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ गया तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इसमें यहाँ पे टू माइनस यू आपका एज इट इज, ये जो माइनस है ये माइनस आपका एज इट इज माइनस कॉस लैम्डा यू यहाँ पे लैम्डा, देखिए ये माइनस, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये माइनस जीरो माइनस वन, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस जीरो माइनस वन क्या बचेगा वन, राइट, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पे रहेगा आपका साइन लैम्डा यू और अपॉन पे लैम्डा स्क्वायर, नहीं तो ऐसे भी किया आपने तो भी चलेगा, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा, देखिए जीरो माइनस वन होगा आपका माइनस वन, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस या फिर ये माइनस और ये माइनस, ठीक है जीरो माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस वन, तो ये माइनस और ये माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और ये आपका माइनस एज इट इज, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ वन, क्योंकि जीरो माइनस वन हो जाता है आपका माइनस वन, क्या हो जाता है माइनस वन, तो ये माइनस और ये माइनस मीन्स ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये माइनस एज इट इज, और जीरो माइनस वन हो जाता है माइनस वन, मगर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे वन, और यहाँ पे आपका वन टू टू एज इट इज, राइट। तो देखिए अब हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट यू की जगह, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे यू की जगह ये टू पुट कर दिया, तो देखिए टू माइनस टू यू की जगह, देन माइनस कॉस लैम्डा टू अपॉन पे लैम्डा यू की जगह सिर्फ, राइट, माइनस वन नहीं लिखा तो भी चलता है, यहाँ पे साइन वन नहीं लिखा तो भी चलता है, साइन लैम्डा यू की जगह टू और अपॉन पे लैम्डा स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। अब मैं माइनस करके लोअर लिमिट पुट करूंगा यू की जगह, तो देखिए टू माइनस यू की जगह में वन पुट करूंगा, क्योंकि अपर लिमिट टू मैंने पुट कर दिया, देखिए ये पूरे इक्वेशन में यहाँ पे यू टू, यहाँ पे यू टू पुट किया, यहाँ पे यू टू पुट किया, अब लोअर लिमिट पुट करूंगा, अब लोअर लिमिट तो जीरो नहीं है, जीरो नहीं होगा तो पुट करना होगा, तो माइनस दूंगा मैं, अपर लिमिट पुट कर दिया, अब मैं माइनस लूंगा, अब मैं देखिए वन पुट करूंगा यू की जगह, तो टू माइनस वन देन माइनस कॉस लैम्डा, इस यू की जगह वन पुट करूंगा मैं अपॉन ये लैम्डा, ये माइनस, ये वन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस यू की जगह वन पुट करूंगा, तो साइन लैम्डा इंटू वन, यू की जगह वन पुट किया मैंने अपॉन पे लैम्डा स्क्वायर और एक ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो देखिए यहाँ पे टू माइनस टू, टू माइनस टू क्या हो जाएगा जीरो, टू माइनस टू जीरो, और जीरो इंटू ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपको, जीरो इंटू ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, देखे ना टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जीरो ही होगा, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करें आंसर जीरो, माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है साइन, यहाँ पे क्या है साइन, पहले टू लिख देता हूं मैं, साइन टू लैमडा, साइन टू लैमडा अपॉन पे लैमडा ब्रैकेट कंप्लीट, देन माइनस यहाँ पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, टू माइनस वन, टू माइनस वन होगा आपका वन इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रहेगा आपका माइनस कॉस लैमडा, यहाँ पे वन लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन पे लैमडा ब्रैकेट कंप्लीट, राइट,
और यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस करके यहाँ पे बचेगा आपका साइन लैम्डा, वन लिखने की जरूरत नहीं, और अपॉन पे लैम्डा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो देखिए जीरो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बचेगा माइनस, माइनस साइन टू लैम्डा, माइनस साइन, यहाँ पे देखिए माइनस साइन टू लैम्डा अपॉन पे लैम्डा स्क्वायर, देन ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये वन लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बचेगा आपका कॉस लैम्डा अपॉन पे लैम्डा, फिर से ए माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे भी रहेगा आपका साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको एफ एस टू ऑफ लैम्डा। अब आपको जो एफ एस लैम्डा है, क्या आपका एफ एस ऑफ लैम्डा वो कितना है माय डियर स्टूडेंट, एफ एस वन लैम्डा, तो एफ एस वन ऑफ लैम्डा प्लस एफ एस टू ऑफ लैम्डा। तो एफ एस वन की वैल्यू आपकी, एफ एस वन की देखिए वैल्यू एफ एस वन की क्या है वो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो माइनस कॉस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, देन ये एफ एस टू लैम्डा है, एफ एस टू लैम्डा क्या है वो ये देखिए वैल्यू माइनस साइन टू लैम्डा, माइनस साइन टू लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, देन प्लस कॉस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस कॉस लैम्डा अपॉन लैम्डा, एंड देन प्लस साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस साइन लैम्डा प्लस साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, राइट माय डियर स्टूडेंट, लैम्डा स्क्वायर। ओके तो देखिए यहाँ पे माइनस कॉस लैम्डा प्लस कॉस लैम्डा अपॉन ले, देखिए ना माइनस कॉस लैम्डा अपॉन लैम्डा ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा, ये पूरा का पूरा और ये भी, और प्लस कॉस लैम्डा अपॉन लैम्डा दोनों कैंसिल हो गए, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर टू साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, देखिए प्लस साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर टू साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और रिमेनिंग टर्म बचते ये माइनस साइन टू लैम्डा, माइनस साइन टू लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये टर्म बचते देखिए माइनस साइन टू लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये माइनस कॉस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस कॉस लैम्डा अपॉन लैम्डा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर टू साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और ये माइनस साइन टू लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर एज इट इज। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।